आप लोग, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे वन पीस का एपिसोड नंबर 515। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख कर आए। तो एपिसोड का नाम है आई विल गेट मच स्ट्रॉन्गर, सोरोज प्लस टू हिज कैप्टन। एपिसोड स्टार्ट होता है ग्रैंड लाइन के तेनागेना किंगडम से, जहां ब्रुक को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी पड़ी है, क्योंकि उस इलाके में खबर फैली है कि एक अजीब रानी मिला है जिसके ना तो छाती है और ना ही मांस और ना ही आंखों की गोटी, और ये बिल्कुल एक कंकाल जैसा दिखता है। लेकिन क्योंकि ब्रुक चैम्बर के अंदर बैठा होता है और कोई हरकत नहीं करता, इसलिए लोग उसे देखकर कंप्लेंट करते हैं कि वो तो हिल ही नहीं रहा, वो तो एक डॉल है, एक गुड्डा। लोग चिल्लाने लगते हैं कि हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। तो फिर लूफी के बारे में पढ़ने के बाद ब्रुक गिटार लेके उठता है और सभी उसे देखकर हैरान होते हैं। फिर ब्रुक की आवाज़ आती है, कैसे हो आप, क्या बस ऐसे ही देखते रहना बोरिंग नहीं होगा? हाँ, चेक इट आउट, मेरा नया गाना बोर्न टू बी वाइल्ड, ये ये। और अब ईस्ट ब्लू के जायंट ब्रिज, जहाँ रॉबिन रेवोल्यूशनरी आर्मी की शिप पर है और वो ड्रैगन से मिलने के लिए मान जाती है। अब आगे उस ग्रुप में से कोई रॉबिन से पूछता है कि ये सुनकर काफ़ी खुशी हुई, ड्रैगन सर तुम्हें देखकर काफ़ी खुश होंगे, बुरा मत मानना, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि हालात इस तरीके से ढले। और ये सुनते हुए रॉबिन को अपना बचपन याद आता है कि जब वो सिर्फ 8 साल की थी तो उसका घर तबाह हो गया था और उसके सर पर 79 मिलियन का इनाम लगा था। न्यूज़पेपर में उस वक्त खबर छपी थी कि वो इकलौती है जो ओहारा की तबाही से बची थी, पता नहीं उसने ऐसा क्या किया। और सुना है रॉबिन ने नेवी की 6 शिप्स को भी डुबाया था, इसलिए इनाम इतना ज़्यादा बड़ा था। एक बच्ची के तौर पर वो जिंदा नहीं होनी चाहिए, वो एक भ्रष्ट आत्मा की लड़की है। रॉबिन कहती है कि सोचा नहीं था कभी कि मैं कभी ताकतवर भी होना चाहूँगी, वो भी किसी और के लिए। इनके बोइन आइलैंड्स में उसोप अपने अगले 2 साल की ट्रेनिंग के लिए बिजी है और वो हिरेकल्स को अपना मास्टर मानकर उसकी हर बात को फॉलो कर रहा है, उससे सब कुछ सीखने के लिए, जैसे जंगल में रहना, स्पेशल अटैक और बाकी सब। अब रूइंस ऑफ मगी किंगडम में, जहां जोरो मिहॉक आके सर झुकाकर उससे कहता है कि मुझे तलवार बाजी सिखाइए, तो मिहॉक कहता है कि तुमने मुझे निराश किया रोरोनुआ, क्या तुम अपने दुश्मन को ही तुम्हें सिखाने के लिए कह रहे हो? लानत है तुम पर, निकल जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई वक्त नहीं है तुम जैसे बकवास मर्द के लिए। लगता है मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा ही समझ रहा था, क्यों कर रहे हो ये सब, शर्म करो अपने आप पर। तो जोरो कहता है मुझे और ताकतवर होना है। मिहॉक कहता है कि तुम तो उन मंदिरों से भी हार गए, और क्योंकि तुम समुंदर तक भी नहीं पहुंच पाए इसलिए वापस आए हो यहाँ, मेरे पास ऐसे आदमी को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस वक्त जोरो के सीने से खून टपकता है और वो मिहॉक से कहता है कि हरा दिया मैंने उन मंदिरों को। हाँ, इसने हरा दिया उन्हें? और जोरो कहता है कि सिर्फ तुम बचे हो हराने के लिए, लेकिन मैं इतना भी पागल नहीं कि मुझे ये नहीं पता, मैं अभी उतना ताकतवर नहीं है कि तुम्हें हरा सकूं। जिसे सुनते ही मिहॉक कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम मुझे अभी भी अब एक दुश्मन की नज़र से देखते हो, तो फिर क्यों तुम अपना सर झुकाए खड़े हो, वो भी मुझसे ही सीखने के लिए, मकसद क्या है तुम्हारा रोरोनुआ? जोरो कहता है कि तुम्हें हराने के लिए, और मिहॉक बोलता है तुम मुझे कह रहे हो एक तलवारबाज को सिखाने के लिए जो मुझे ही मारना चाहता है, पागल मत बनो, और जो तुम मांग रहे हो वो बकवास है, फिर भी जो तुम कर रहे हो वो शर्मनाक है, लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ज़रूरी मिला है अपने मकसद से। ओ भूतिया लड़की, इलाज करो इसका, ट्रेनिंग शुरू होगी जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। क्या अजीब आदमी है, जब इसके जैसा आदमी अपने गौरव को निगल जाए, ये हमेशा किसी और के लिए होता है। इस सब के बाद जोरो और पिरोना एक कमरे में बैठे होते हैं, जहां पिरोना न्यूज़पेपर में देखती है कि लूफी के बाजू पे 3D को कट करके 2Y लिखा है। तो जोरो कहता है कि हमने वादा किया था कि हम एक जगह पे मिलेंगे 3 दिन में, लेकिन ये हो नहीं पाया, और अब वो मुलाकात 3 दिन के बजाय 2 साल बाद होगी। बाकी सब कुछ बस न्यूज़ को फैलाने के लिए किया गया था, वो एक मैसेज देना चाहता था सिर्फ उसके दोस्तों के लिए, क्योंकि अगर हम ऐसे ही चले जाते, हम इतने ताकतवर नहीं कि न्यू वर्ल्ड में आगे तक जा पाएंगे, हमें एक बार के लिए रुककर ताकतवर होना होगा और फिर से मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो।
और इसके बाद जोरो और मिहोक अपनी ट्रेनिंग के लिए निकलते हैं। तुमने कहा तुमने उन बबूंस को हरा दिया। हाँ, बबूंस में भी रैंकिंग होती है और उनका एक मास्टर भी होता है। वो लीडर है इस आइलैंड के सभी बबूंस का और वो तलवार उसने मुझे कॉपी करके चलाना सीखी है। वो उन सबसे अलग है जिनसे तुम अभी तक लड़े हो। मुझे और कई ज्यादा ताकतवर होना है। ये कहकर जोरो टूट पड़ता है मास्टर के ऊपर। हम सब मिलेंगे 2 साल बाद सेबॉडियार के प्लाजो पर। टू बी कंटिन्यूड। तो जी हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें। अगली वीडियो 2 दिन बाद डाल देंगे। अगर कुछ और चाहिए तो बता देना। साथ में केडी सीरीज ही चलो, बर्सेक सीरीज उसका भी एपिसोड शुरू करने की सोचा था। और हाँ, बस एक बात पूछनी थी कि मैंने ड्रैगन बॉल के मांगा के 2 वीडियोस डाले थे, इतने ज़्यादा चले नहीं, तो पूछना था एक और चाहिए या नहीं। ओके, थैंक यू, बाय।